अरे फ्रेडी साहब, आप यहाँ? मुझे जोड़िए सालूं के साहब, आप बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? अरे यार वो बात ये फिर, अरे तो जाने दे ना यार, तुझे क्या मतलब है, जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, आपके खिले हुए चेहरे का राज तो मैं जान कर ही रहूंगा। आप बताते हैं यहाँ मैं एसीपी साहब को फोन कर। एसीपी साहब को बीच में क्यों ला रहा भाई? अच्छा फ्रेडी, मैं अपने राज की बात तुझे बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तू ये बात एसीपी प्रद्युमन को नहीं बताएगा। ठीक है ठीक है, पक्का ना? पक्का। बात ये है फ्रेडी, आज जब मैं अपने घर में अपनी पुरानी कवर चेक कर रहा था ना, मालूम है मुझे उसमें क्या मिला? मोजे। अरे मोजे से ऊपर उठेगा कि नहीं? मोजे देख, मैं मिले ये कॉलेज के टाइम के लेटर्स, लव लेटर्स। तो ये है आपकी खुशियों का राज? यस, ये लव लेटर्स। कौन है वो? पता नहीं पता नहीं। अरे यार मतलब पता नहीं कौन थी वो, मैंने पता लगाने की कोशिश की पर पता ही नहीं चला यार। वैसे सालू के साहब, कोई लड़की आपको लव लेटर्स लिखे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही है? ये देखने के बाद भी हजम नहीं हो रही है, है? अभी तू मुझे समझता क्या है? रेडी, कॉलेज के टाइम में मैं अपने आप में हीरो था, हीरो। अपनी स्टाइल थी, बस स्टाइल। कॉलेज को छोड़िए सालू के साहब, अभी तो आप एक फिल्म के विलन जैसे लग रहे हो। क्या कह रहा था तू? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं कह रहा तू? पक्का पक्का। अरे यार फ्रेडी, भुला दिया। अबे ये बता तू यहाँ आया क्यों था? अरे सालू के साहब, मैं भी भूल गया था, एसीपी साहब ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगवाई है। अरे यार ये एसीपी प्रद्युमन हमेशा घोड़े पे सवार क्यों रहता है यार? बोला था ना करता हूँ अभी, टाइम लगता है फ्रेडी। सालू के साहब, आज आप अकेले हैं क्या? तारिका दिख नहीं रही है। तारिका को मैंने जरा काम से भेजा यार। वैसे तुझे क्या मतलब है तारिका से? कुछ नहीं। ऐसे यार एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, खून तो इनका जहर की वजह से हुआ है, लेकिन ये जहर इनके शरीर में गया कैसे, ये बात समझ में नहीं आ रही है यार। My God, ये क्या है? सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला एग्जीबिशन है। पहली चीज तो हमेशा खासी होती है, फिर वो चाहे पहला प्यार हो, पहली बारिश का एहसास हो, या फिर मेरा एग्जीबिशन। और इस पे चार चांद तो तब लगेंगे जब पीपलगढ़ की महारानी शांति देवी जी खुद मेरा एग्जीबिशन देखने आएंगी। अरे शांति देवी जी आ गई। शांति देवी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने इस छोटे कलाकार के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। कलाकार कभी छोटा नहीं होता मुकेश जी, और वैसे भी हमें कलाओं से हमेशा से ही लगाव है। आपकी एग्जीबिशन देखते हैं? जी जरूर आइए। हमारे खिलाफ नारे लगा रहे कि किसकी? कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, ऐसे कोई कैसे किसी पर गोलियां चलवा सकता है? हम जानते हैं, इसीलिए अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। शांति देवी जी सुनिए तो, आपने क्या हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया था मुकेश जी? आप फिकर मत कीजिए, मैं उनको जाकर रोकता हूँ। इसका प्रबंध तो पहले कर लेना चाहिए था आपको, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। महारानी जी, आप इस तरह से नहीं जा सकते। याद है ना आपको, हमने मीडिया से वादा किया, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। महारानी जी आप ऐसा नहीं कर सकते, अखबार और मीडिया वाले पहले ही आपसे खफा है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ बोलने का। ठीक है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाए। हमें पानी, ये नहीं, हमारे लिए अपनी बॉटल मंगवाई। देखिए अब आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, पर ध्यान रहे महारानी जी यहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए, उसके बाद इन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना, तो फिर देरी किस बात की। हाँ तो शांति देवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पति यानी कि पीपलगढ़ के महाराजा चंद्रशेखर जी आपके लिए अरबों खरबों की संपत्ति वैसे भी छोड़ चुके हैं, तो फिर आपने मुंबई वाली जमीन का सौदा क्यों किया। जमीन हमारी थी, हमें लगा कि बेचनी चाहिए तो हमने बेच दी। पर उन लोगों का क्या जो जमीन से बने चौल में रह रहे, उनका तो पूरा का पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो उन्हें नहीं कहा था कि हमारी जमीन पे आके रहे। महारानी शांति देवी जी, क्या ये बात सच है कि मोहल्ले में रहने वाले लोग आपके फैसले से नाराज होकर आपको धमकी भर चिट्ठियां लिख रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन हम ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले। अगर आज हमारा राज होता तो ऐसी गुस्ताखी करने वाले लोगों को कब का हाथी के पैरों तले कुचल दिया होता। अरे महाराज जी की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी कर लो, जल्दी हेलो एम्बुलेंस, जल्दी जल्दी महाराज जी की हाल, जल्दी। अरे महाराणी जी तो पूरा शरीर नीला पड़ गया है, मौत तो जहर से हुई। मगर सर इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई जहर दे कैसे सकता है ने? मिस्टर अनिकेत, आप रानी साहिबा के पीए हैं ना? जी सर। रानी साहिबा ने यहाँ आने से पहले कुछ खाया पिया था क्या? जी सर, महारानी जी ने सुबह हमेशा की तरह बालमी होटल में जूस पिया और हल्का सा नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ आकर एक पानी पिया जो इन्होंने दिया था। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मिलियन वाटर था, मैं पता क्या कर सकते हो साहब। वो तो पता चल जाएगा। सारी चीजें फोरेंसिक लैब में भिजवा देना। आपके अलावा और कौन जानता था कि रानी साहिबा यहाँ इस फंक्शन में आने वाली? मेरे अलावा तो इस बात की खबर सिर्फ मुकेश जी को थी। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो? सर मैं तो एक सीधा साधा चित्रकार हूँ, मैंने तो महारानी शांति देवी को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, भला मुझे इनका खून करके क्या फायदा होगा। आजकल जमाना पब्लिसिटी और मार्केटिंग का है, हो सकता है पब्लिसिटी के चक्कर में तुमने ये सब कुछ किया। सर मुझे ऐसी पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी इनको मारने से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता जो एग्जीबिशन के बाहर इनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। नारे लगा रहे? जी। कौन लोग? दरअसल महारानी जी ने अपनी एक मुंबई वाली जमीन का हाल ही में सौदा किया था, जिसकी वजह से उस मोहल्ले में रहने वाले कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। तो आपको लगता है कि ये काम उनमें से किसी ने किया है? हाँ सर, वो लोग महारानी जी को धमकी भरी चिट्ठियां लिख रहे थे कि अगर उन्होंने जमीन का सौदा किया तो वो उन्हें मार देंगे। इन मोहल्ले के लीडरों को जरा ब्यूरो में बुलवाओ। आइए सर, ये उन लोगों के लीडर्स जिनकी जमीन शांति देवी ने बिल्डर्स को बेची थी। तो वो तुम लोग हो जो शांति देवी के खिलाफ जगह जगह नारा दे रहे थे? हाँ, लेकिन हमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना साहब, भले ही वो होगी किसी पीपलगढ़ की महारानी, मगर सैकड़ों गरीबों को बेघर करने का उन्हें कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने धमकी भरी चिट्ठी लिखोगे, उनकी जान ले लोगे? नहीं नहीं, हमने कोई धमकी भरी चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही हमने किसी की जान लेने की कोशिश की, ये हमारे आंदोलन को बंद कराने की साजिश है। ए चुप, शांति देवी को चिट्ठी तुम में से किसी ने लिखी है, समझे? बताया हमें। रेडी, तो कागज और पेन दे दो। इसका हम क्या करेंगे? अपना नाम और पता लिखो। साहब मैं तो अपना नाम भूल गया साहब। क्या खुद का नाम भूल गए? ठीक है, मेरा नाम लिखो, लिखो फ्रेडी 305 सुख शांति बिल्डिंग मलाड देश। अरे मुंह क्या देख रहे हो, लिखो मलाड देश। तुम्हें क्या हो गया, तुम भी अपना नाम भूल गए क्या? नहीं, याद है। तो लिखो। तुमने अभी तक कुछ लिखा नहीं। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। अच्छा, अंगूठा छाप हो? जी। सुंदर नाम है ना तुम्हारा? जी सर। पेशे से तुम एक जर्नलिस्ट हो, बीए किया है तुमने, और कई सालों से अपने मोहल्ले में पांचवी कक्षा से लेके दसवीं तक के बच्चों को क्लासेस देते हो। ये सब बिना पढ़े लिखे किया तुमने?
क्यों? जी साहब, मैंने इस कुलदीप के कहने पे किया, फंसा दिया ना मुझे। अरे अरे अरे, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बताता हूँ ये दरवाजा कैसे खुलता है। बट अजय दा बता, क्यों किया तूने ये सब? हाँ शांति देवी को धमकी भरी चिट्ठियां मैंने ही लिखवाई थी, पर मैं क्या करता, जब मैंने उन्हें अपने साथियों की तकलीफ बताई तो उल्टा उन्होंने हमारा ही अपमान कर दिया। कहने लगी कि चाल में रहने वालों से तो कीड़े मकोड़े अच्छे, ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा, उबलने लगा मेरा खून। और खून इतना उबला कि तुमने खून ही कर दिया शांति देवी का है? हाँ, मैंने मोहल्ले के हर एक इंसान के पास से 1,000 रुपए चंदे के नाम पर इकट्ठे किए और लक्की नाम के गुंडे को शांति देवी की सुपारी दे दी और उनको खत्म करवा दिया। मैंने सोचा शांति देवी खत्म हो जाएगी तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। किसी को मार कर समस्या का हल नहीं होता, समझे? ले जाओ इसे, इस लकी को ढूंढो, उठाओ इस लकी को। अरे ये देख, अरे बाप रे, ऐसी खतरनाक चीज मैंने फिल्मों में भी नहीं देखी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है या सपना। मैंने जिंदगी में इतनी पोस्टमार्टम की, इतनी लाशें काटी, लेकिन ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये यहाँ कैसे यार? शांति देवी ने आर्ट एग्जीबिशन में इन चीजों को हाथ लगाया, इन चीजों को हाथ लगाया था। एक मिनट, तेरे ओके अंदर ना, ये वाला। हाँ हाँ, मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। एसीपी साहब, जल्दी से फॉरेंसिक लैब में आइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कमाल है, इसमें से तो किसी भी चीज का रंग नीला नहीं पड़ा, तो फिर ये इनके गले में आया कैसे? माय गॉड, इनके गले के अंदर सांप। बॉस अपने सीआईडी के कैरियर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बस यही बाकी रह गया। लोग तो सांप के जहर से मरते हैं, लेकिन इनके तो गले में मरा हुआ सांप। वही तो, गहन गजब की पहल। ना जानकी देवी के खाने में सांप का जहर था, ना इनके शरीर पर कहीं पर भी सांप के डसने के निशान नहीं, और फिर भी एक सांप मिलता है इनके शरीर के अंदर मरा हुआ सांप। सर, कहीं इन्होंने लंच में सांप तो नहीं खा लिया? नहीं फ्रेडी, नहीं। जरूर किसी ने किसी न किसी तरीके से, धोखे से, इनके शरीर के अंदर एक सांप डाल दिया, सांप का जहर डाल दिया है धोखे से। सर, उन किरायेदारों ने बताया था कि उन्होंने शांति देवी को मारने की सुपारी लक्की को दी थी। लक्की? तो फिर अब लक्की ही बताएगा कि शांति देवी के शरीर में उसने सांप डाला कैसे। अरे राघव, घबराओ नहीं तो क्या करूं? सीआईडी वालों को लग रहा है कि शांति देवी का खून मैंने किया। मतलब शांति देवी का खून आपने नहीं किया? अरे मेरा दिमाग इतना खराब नहीं है राघव कि इतनी बड़ी हस्ती को मारने के बारे में सोचूंगा। मैंने तो सोचा था सिर्फ सुपारी के पैसे ले लूंगा और उन्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सचमुच मारी जाएंगी और मैं फंस जाऊंगा। लेकिन सीआईडी तो यही सोच रही है कि खून आपने किया है। हाँ यार, किसी ने तो मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ, और तुम लोग को भी जैसे मौका मिले ऐसी जगह चंपत हो जाओ जहाँ शेडी का हाथ तुम लोग तक न पहुँच पाए। बॉस, वो सब तो ठीक है, पर हमारा हिस्सा? अरे उसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, इतना काफी है कि तुम लोग रख लो। इतने सालों की वफादारी का ये इनाम। अब ये भी ले लो, इतना काफी है ना बस, और ज्यादा लालच नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम लोग का बॉस हूँ। बॉस वो नहीं थे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम तुम्हें इनाम देंगे और इसके बाद तुम्हें सीआईडी से कोई खतरा नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने वाला है। सुनो, तुम ये पैसे आपस में बांट लो और किसी सुरक्षित जगह जाके छुप जाओ। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे राघव? पैसे बहुत है मेरे पास, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शांति देवी के खून का केस तुम्हारी मौत के साथ बंद हो। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सीआईडी, फोन डालो इन्हें।
तो लकी है सर, उससे गोली मारी गई है। शांति देवी का खून किसने किया? तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं। किसने मारी गोली? उन्हें तो बोलो। ये तो मर गए सर। लगता है शांति देवी जी के खूनी ने इसका भी खून कर दिया ताकि हमें कुछ बता ना सके। भाग गया वो। सर काफी कोशिश की लेकिन हाथ से निकल गया सर। ये तो जिंदा है। सचिन एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, इससे हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। आसन क्या पता चला उस सांप के बारे में? बॉस ये तो एक अफ्रीकन सांप है। अफ्रीकन सांप? हाँ फ्रेडी सर, ये देखिए इस सांप का नाम है अफ्रीकन ट्रोगा और ये दुनिया का तीसरा सबसे जहरीला सांप माना जाता है। क्या इतना जहरीला सांप? क्या ये सांप हमारे देश में भी पाया जाता है? नहीं श्रेया, ये हमारे देश में नहीं पाया जाता बल्कि एक अफ्रीका के भी छोटे से टापू मैरियट कोलानो में पाया जाता है। सर शायद शांति देवी अफ्रीका के इस टापू मैरियट कोलानो गई होगी और शायद वहाँ का पानी इन्होंने पिया होगा और पानी में सांपों के अंडे होंगे जो इनके पेट में चले गए होंगे और अंडों से सांपों के बच्चे निकले होंगे, उनमें से एक बच्चा इनके गले तक आ गया होगा और इन्हें काट लिया होगा। बोल बोल सारों के बोल। नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं ना, देखो इंसान के पेट में HCl नाम का एसिड होता है जो बड़ी से बड़ी चीज को भी बहुत जल्दी पचा देता है, यहाँ तक कि ये एसिड लोहे के टुकड़ों को भी बहुत जल्दी गला देता है। Exactly. इसलिए अगर इस तरह के अंडे शांति देवी के पेट में चले भी गए होते तो बस कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाते। मतलब किसी अलग तरीके से वो सांप शांति जी के गले में गया। ना बस, और गया भी पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे के अंदर? सर पिछले 24 घंटों में तो शांति देवी उस होटल में ही थी। हाँ पिछले 24 घंटे तो शांति देवी होटल बालमी में ही थी, तो फिर इस सांप का राज भी उसी होटल बालमी में खुलेगा। होटल बालमी में? हाँ भाई जी। अच्छा उस गुंडे को होश आ गया? अच्छा नाम बताया उसने उस गुंडे का जो भाग गया वो? राघव। राघव जी कहिए सर। सीआईडी कुछ गड़बड़ हुई है सर। शांति देवी आपके होटल में ही ठहरी थी ना? जी हाँ सर, शांति देवी इसी होटल में ठहरी थी। बहुत बुरा हुआ होंगे सर। जी हाँ बहुत बुरा हुआ, और हमें शक है कि शांति देवी के खून में आपके होटल में से किसी एक का हाथ। देखिए सारे स्टाफ को इकट्ठा करो। देखिए सर गलतफहमी हुई आप। हमने सात लोगों को बुला लिया। हम में से किसी का हाथ नहीं है इसमें। पता नहीं आप लोग ऐसे क्यों कह रहे। पिछले 24 घंटे से वो आपके होटल में थी, यहाँ से सीधे आर्ट एग्जीबिशन में गई और वहाँ पे उनकी मौत हो गई, है कि नहीं? जी हाँ सर, वो यहीं पे थी। इसका मतलब तो साफ है कि उनके पेट में जो सांप मिला हमें वो आपके होटल से ही आया है। अरे नहीं सर, हमारे यहाँ तो चूहा और कॉकरोच तक नहीं है, तो ये सांप कहाँ से आएगा? सांप कहाँ से आया और कैसे आया ये तो हम पता लगा ही लेंगे। आप लोग किसी को किसी पे शक है? कौन कर सकता है शांति देवी का फोन? साहब मुझे तो लगता है केतन जी का हाथ है इस फोन में। रमन जी क्या कह रहे हो तुम? अरे मैंने तुम्हारी पेमेंट नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब ये कि तुम मुझे सीआईडी के केस में फंसा दोगे? पेमेंट की बात नहीं है साहब, मगर आपने शांति जी के लिए नया लॉन्ड्री वाला क्यों रखा? अरे मैं क्यों रखूंगा, मैंने किसी लॉन्ड्री वाले को नहीं रखा। एक मिनट, कोई नया लॉन्ड्री वाला आया था यहाँ? हाँ साहब, कल रात 9:30 बजे मैंने उसे शांति जी के कमरे में जाते हुए देखा था। जरा देखो वो आदमी ये तो नहीं था? नहीं साहब, ये वो नहीं है जिसे मैंने शांति जी के कमरे में जाते हुए देखा था, इसे मैंने पार्किंग लॉट में देखा था। पार्किंग? मतलब राघव के साथ कोई और भी मिला है शांति देवी के खून में? उस आदमी ने लॉन्ड्री वाले के कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। हाँ सर। अपने लॉन्ड्री रूम दिखाइए। प्लीज सर। तो ये रहा हमारा लॉन्ड्री रूम, ये पार्क हॉल पिछले 5 सालों से हमारे इस होटल में काम कर रहे हैं। पार्थो ये सीआईडी वाले। सीआईडी? पार्थो शांति देवी का खून हो गया मालूम है ना तुम्हें? साहब उस खून में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। अरे भाई वो सब हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया, ये बताओ कि किसी नए लॉन्ड्री वाले को देखा क्या होटल में तुमने? हाँ साहब एक आया था पर आज वो काम पर नहीं आया, शायद आप ही ने तो उसे काम पर रखा था साहब। पार्थो ये कैसी बात कर रहे हो?
इससे पहले मैंने किसी भी नए आदमी को अगर यहाँ पे रखा है तो सबसे पहले तुम लोगों से मिलवाया है। ना मैंने मिलवाया है और ना ही सर मैंने किसी को रखा है यहाँ। वो आदमी दिखता कैसा था? सर साहब, आदमी तो बहुत लंबा चौड़ा था पर उतना ही आलसी। रानी साहिबा के अलावा किसी भी कमरे की चादर बदली नहीं किया साहब उसने। अच्छा, तो आपने उससे पूछा नहीं कि वो बाकी कमरों की चादरें क्यों नहीं बदल रहे? अब पूछा था साहब, अंग्रेजी भी बोल रहा था और अंग्रेजी हमें आती नहीं। अंग्रेजी में पट्टी पढ़ा के निकल गया, काफी चालाक आदमी है। उस आदमी का स्केच बनवाना होगा तुमको, ठीक है? हाँ साहब। ठीक है, सांप उस आदमी ने यहीं कहीं छुपा के रखा था। सांप? सांप? मुझे सांप से बहुत डर लगता है साहब। ठीक है ठीक है, आप लोग जरा बाहर जाइए, हमें यहाँ की तलाशी लेनी। हाँ साहब। मतलब वो सांप इसी डब्बे में लाया गया है। ऑप्टिमल कार्गो। कहिए सर, कुरियर करना है आपको? हाँ, सिर्फ इंडिया में कुरियर भेजते हो या बाहर देश भी कुरियर भेजते हो? अरे सर, हर जगह, लंदन, पेरिस, चीन, जापान, यूके, यूएसए, जहाँ भी, दुनिया के हर कोने में आपका पार्सल पहुँच जाएगा। अरे वाह, और क्या क्या भेजते हैं आप कुरियर में? सब कुछ सर, जैसे किताबें, कपड़े, तस्वीर और ऑफिशियल कागजात वगैरह। और सांप? क्या? हाँ, सांप भेजते हैं आप कुरियर में? ये क्या कह रहे हैं आप, सांप भला कोई कुरियर में भेजता है क्या? ये तो आप ही बताओगे। आपके कुरियर कंपनी के इस बॉक्स में सांप भेजे गए थे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, इस बॉक्स पे जो ये लेबल लिखा है उसे पता कर सकते हैं कि ये पार्सल किसने भेजा था? ए मिस्टर, तुम होते कौन मुझे ऑर्डर देने वाले? सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डिब्बा तो हमारा है लेकिन वो सांप को कुरियर हमने नहीं किया है। सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आपको बदबू नहीं आ रही है क्या? अरे कहाँ बदबू आ रही है सर, कोई बदबू नहीं आ रही है। बदबू आ तो रही है। अरे सर, अंदर अंदर कुछ भी नहीं है। सर सर, अंदर कहाँ जा रहे हैं? अंदर सर जाने का कोई? चुपचाप कोने में खड़े हो जाओ, चलो। सर वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो कुरियर के, वो है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखोगे? बदबू यहाँ से आ रही है, खड़ी। अरे ये सर क्या हुआ, मेरा काम वाला जो तीन दिन से आ नहीं रहा है तो कचरे जमा हो गए, उसी कचरे का बदबू है सर और कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है, हम तुम्हारा कचरा साफ कर देते हैं, रेडी? जरा ये सर, ये कुछ भी नहीं सर। सर सुनिए सर, सुनिए, रेडी? कुरियर कंपनी के आड़ में जानवरों की तस्करी करते हो तुम लोग? अबे साहब, भाग हुए चल, आज मैं तेरा कुरियर भेज देता हूँ सीधे जेल में। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से जानवरों की तस्करी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा सर। चुप! इतने सारे विदेशी जानवर मिले तुम्हारे गोदाम में, कब से तस्करी कर रहे हो ये? पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से? और अफ्रीकन सांप, अफ्रीकन ट्रोबा, वो कहां से लाया तुमने? किसके कहने पर मंगवाया वो बताओ? देख, ये सिर्फ जानवरों की तस्करी का मामला नहीं है, एक आदमी का खून भी हुआ है, समझा? तेरे मुंह पे लगा हुआ ये ताला तुझे सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। बोल, जल्दी बोल। मुझे इसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे और अफ्रीका से ट्रोबा सांप मंगवाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इनका इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए करेगा। अच्छा, तो तुझे क्या लगा इतना खतरनाक जहरीला सांप को जुर्म करने के लिए नहीं तो क्या अपने घर पे पालने के लिए मंगाएगा? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। कितने सांप मंगवाए थे? सर,
दो सांप गए थे। दो? पर सर हमें शांति देवी के गले में से सिर्फ एक ही सांप मिला था। हाँ ये बात तो है, एक ही सांप मिला था, एक ही सांप। और ये कीमती हार, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास है? सर ये हार राघव ने मुझे दिया था मेरे काम से खुश होकर, और कहा था कि ये पीपलगढ़ के राजघराने का हार है सर। पीपलगढ़ के राजघराने का हार? राघव के पास ये हार कहाँ से आया? वही तो दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जरूर कोई ना कोई तो है उस राजघराने से संबंधित जिसने शांति देवी का खून किया है। हाँ सर, और एक बहुत बड़ी पहेली है जो मेरी समझ में नहीं आ रही सर। इस शांति देवी को मारने के लिए कोई अफ्रीका से सांप क्यों मंगवाएगा? इंडिया से कोई जहरीला सांप उठा लेता या फिर ऐसे ही मार देता। सर उस पहेली का जवाब इस पेपर में। पेपर? हाँ सर, इस पेपर में लिखा है कि 20 साल पहले पीपलगढ़ के राजा की मौत अफ्रीका में हुई थी इस ट्रोबा सांप के डसने की वजह से। हाँ सर, अखबार में लिखा है कि सांप राजा के खाने के थाली में छुपा के रखा गया था, जैसे ही राजा खाना खाने लगे सांप ने उन्हें डस लिया। हाँ सर, पीपलगढ़ के गांव वालों का कहना है कि राजा की मौत में उनकी पत्नी रानी शांति देवी का हाथ था। राजा की मौत में रानी शांति देवी का हाथ था? तो फिर दया, अब 20 साल बाद कोई ना कोई तो है जो राजा की मौत का बदला लेना चाहता है उसी सांप के डसवाने से जिस तरह से राजा की मौत हुई थी। पीपलगढ़। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। शांति देवी की मौत के सिलसिले में हम कुछ पूछताछ करने आए। अरे वाह सर, कितनी आलीशान हवेली है, राजे महाराजाओं की ठाट की बात तो कुछ और ही है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी मुरारी लाल। मुरारी लाल एक बात बता, हमने सुना है कि राजा साहब की मौत में रानी साहिबा का कुछ हाथ था, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या लगता है तुम्हें? कुछ पक्का तो नहीं कह सकते साहब, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। बिना आग के धुआं नहीं उठता साहब। तुम्हारे हिसाब से यहाँ की रानी के पास कोई ठोस वजह थी राजा का खून करने की? जी हाँ साहब, राजा साहब की मौत के बाद सारी दौलत सारी जायदाद रानी साहिबा की हो गई थी, इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है राजा साहब को अपने रास्ते से हटाने की? क्यों, दोनों को कोई औलाद नहीं थी क्या? नहीं साहब, इसी बात का तो दुख है कि राजा साहब के बाद इस वंश को चलाने वाला और कोई नहीं है। क्या हुआ दया? सर जरा ये पेंटिंग देखिए, होटल में उस लॉन्ड्री वाले का जो स्केच बनवाया था वो स्केच इस पेंटिंग से मिलती जुलती है सर, ये देखिए। हाँ, लगता तो वही चेहरा है, सिर्फ इस स्केच में इस दाढ़ी की कमी है। ये तो राजा साहब की तस्वीर है, इन्हें मरे हुए तो बरसों बीत गए। अगर ये राजा साहब की तस्वीर है तो फिर हो सकता है ये स्केच राजा साहब के बेटे का है। नहीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। अरे नहीं साहब, मैं भला आप लोगों से कुछ क्यों छुपाऊंगा? देखो मुरारी लाल, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, अगर यही बात होती तो तुमने अपना शक बोल के क्यों नहीं दिखाया पुलिस वालों को कि राजा साहब की मौत में शायद रानी साहब का हाथ है? साहब हम इस हवेली के नौकर हैं, नमक खाया हमने, जान दे देते पर उन पर कोई आज नहीं आने देते। तुम नमक का हक अदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे अपने राजा के बेटे को बचाने की? मैंने कहा ना उनका कोई बेटा नहीं है। जरा मेल देख लो, मैं आता हूँ। हाँ सर। नमस्ते साहब, मेरा नाम शंभू है साहब। आप यहाँ रानी शांति देवी के खूनी के तलाश में आए? हाँ, तुम जानते हो शांति देवी का खून किसने किया? नहीं साहब, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है साहब कि मुरारी आपसे झूठ बोल रहा है साहब। मुरारी झूठ बोल रहा है? कैसा झूठ? यही कि राजा साहब की कोई संतान नहीं है, उनका एक बेटा है विक्रमजीत, उनकी पहली पत्नी विजया देवी से। विक्रमजीत पहली पत्नी विजया देवी से? तो राजा साहब ने शांति देवी के साथ कब शादी की?
उनकी पहली पत्नी विजया देवी की मौत के बाद विक्रम जी दूसरी शादी शांति देवी से कर ली साहब। अच्छा शंभू, ये विक्रम जी है कहाँ? हो सकता है विक्रम जी ने खून किया हो शांति देवी का, है ना? नहीं साहब, विक्रम जी तो पहले ही मर चुके हैं साहब। हाँ साहब, हम दोनों एक उम्र के थे साहब, बचपन में साथ खेला करते थे साहब। जब अफ्रीका से राजा साहब की मौत की सूचना आई, उसके कुछ दिन बाद मुरारी विक्रमजीत को नदी किनारे ले गए शांति देवी के कहने पर। और मुरारी ने विक्रमजीत को मार डाला है? जी साहब, उसने कहानी बना दी कि विक्रमजीत खेलते खेलते नदी में डूब गए। अच्छा, तो विक्रमजीत की लाश नहीं मिली? नहीं साहब, लाश तो नहीं मिली। जरूर मुरारी ने लाश को ठिकाना लगा दिया होगा साहब। मुरारी उनका खास आदमी था साहब, उनकी हर बात मानता था साहब। विक्रमजीत, मुरारी लाल, शांति देवी, शांति देवी का खास आदमी मुरारी लाल। सर, हम ऐसे वीरान होटल में क्यों रुके हैं? मैं तो कहता हूँ इस मुरारी के बच्चे को पकड़ते और वापस चलते मुंबई। और शांति देवी के खूनी का क्या? उसकी छानबीन किए बगैर वापस चले जाएंगे। तुम्हें वापस जाना है? अरे नहीं सर। सर मुझे लगता है कि शांति देवी को मारने वाला राजा का बेटा विक्रमजीत ही है। इस मुरारी लाल ने उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश की होगी, पर हो सकता है किसी तरह से बच गया। हाँ दया, मुझे भी यही लगता है। लगता है कि विक्रमजीत अभी भी जिंदा है और उसी ने शांति देवी का खून भी किया है। इस विक्रमजीत को तो हम लेकर ही जाएंगे। मगर सर, अगर विक्रमजीत वापस गाँव में आया तो गाँव वाले उसे पहचान लेंगे। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। विक्रमजीत ने शांति देवी का खून करके अपने पिता की मौत का बदला तो ले ही लिया, बचा है मुरारी लाल। मुरारी लाल, मुरारी लाल से हिस्सा पूरा करने के लिए विक्रमजीत जरूर वापस आएगा। हम उसका इंतजार करेंगे। शंभू जी, जाए दरवाजा खोल। हम ऐसा मुझे ही बोलते। क्या? कुछ नहीं। अरे शंभू बेटा, अरे वाह 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 शंभू, मजा आ गया। अरे वाह वाह वाह। अरे आप लोग कौन? अरे आपने चाचा को भूलियो? चाचा? अरे मेरे कोई चाचा नहीं। लो कर लो बात। अब आप बोलोगे कि आपका कोई चचेरा भाई भी नहीं है, है? यानी कि हम। अरे गुंगा गुंगा भाई। अरे जब चाचा नहीं है तो चचेरा भाई कहाँ से आ गए? अरे ये लो, राजा साहब के महल में काम करने लगो तो भूल गए खानदान को। याद दिलाओ, याद दिलाओ। अरे मैं आप लोगों के लिए चाइना टर्न ले आता हूँ। आजा बेटा आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देख शंभू, घबराओ मत, हम लोग CID से हैं। तुम्हारा दोस्त विक्रमजीत वो जिंदा है। क्या विक्रमजीत जिंदा? धीरे से बोलो, जब तक ये विक्रमजीत मिल नहीं जाता हम लोग इसी हवेली में रहेंगे, समझा? उसने शांति देवी को मारा है और इस मुरारी लाल को मारने को जरूर आएगा यहाँ। नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे इस पहेली का हार निकालना ही पड़ेगा। मेरी बरसों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। सर प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए, आप पिछले 36 घंटों से सोए नहीं है। कैसे आराम कर लूं तारिका, कैसे सो जाऊं? मैं झपकी भी लगाता हूं तो ये सांप मुझे सपने में दिखाई देता है। चलिए सर शुरू से शुरू करते हैं। ये सांप अगर होटल से ही शांति देवी के गले में था तो फिर इसने एग्जीबिशन में आकर ही क्यों काटा इन्हें? Exactly. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई तो था तारिका, कोई तो था जो सांप को कंट्रोल कर रहा था कि वो सही वक्त देखकर शांति देवी पे हमला करे, जबकि उसके हिसाब से लोहा एकदम गर्म था। और एक बात सर, खूनी ने अगर इस सांप को शांति देवी के गले में तब डाला होता जब ये जाग रही थी तो ये तो बहुत हल्ला मचाती, जरूर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करती। इसका मतलब जब शांति देवी पे हमला हुआ शांति देवी सो रही थी, शांति देवी सो रही थी और शायद क्या शायद गॉड। क्या सर? ओह माय गॉड, शायद ये सांप भी सो रहा था। सांप सो रहा था मतलब? मिल गया तारिका, मिल गया, मुझे इस समस्या का हल मिल गया। मुझे भी बताइए ना सर। बताता हूँ। देखो तारिका, ये सांप एक रेप्टाइल है, जमीन पर
रेंगने वाला जंतु। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, शीत रक्तधारी जंतु। ये मौसम के हिसाब से अपने शरीर का तापमान बदल नहीं सकते, और इसलिए जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ये सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। ओह गॉड, इसका मतलब सर खूनी ने जानबूझकर इस सांप को ठंडी जगह पर रखा। बिल्कुल, ताकि वो हाइबरनेशन में चले जाए। यस। पर सर, अगर ये सांप भी सो रहा था और शांति देवी भी सो रही थी, तब भी अपना सवाल तो वही का वही है कि ये सांप शांति देवी के खाने की नली तक पहुँचा कैसे? खाने की नली तक पहुँचा कैसे? एक मिनट, ये सांप शांति देवी के खाने की नली तक पहुँचा कैसे तारिका? ये शायद हमें इस सांप की चमड़ी बताएगी। एक मिनट, एक मिनट। यस, ये देखो तारिका, ये क्या है? पॉपी सीड ऑयल। और ये पॉपी सीड ऑयल इस सांप की चमड़ी पर लगा हुआ है। लेकिन सर, सांप तो ऐसा कोई तेल अपने शरीर से निकालते नहीं है ना? एग्जैक्टली राइट। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये पॉपी सीड ऑयल नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से इस सांप की चमड़ी पर नहीं आया है तारिका। किसी ने जानबूझकर ये पॉपी सीड ऑयल इस सांप की चमड़ी पर लगाया है तारिका, ताकि ये सांप एकदम स्मूथ हो जाए और आराम से शांति देवी के फूड पैक में जाकर के बस जाए। और जब सांप शांति देवी के फूड पाइप में जाके बस गया, तो इनके खाने की नली की गर्मी की वजह से सांप जाग गया, और जाग कर इसने शांति देवी के फूड पाइप के अंदरूनी हिस्से में डस लिया, जिसकी वजह से शांति देवी की मौत हो गई। और क्योंकि शरीर के अंदर इस सांप को भी ऑक्सीजन नहीं मिला होगा, ये भी मर गया। एग्जैक्टली। लेकिन सर, वो विक्रमजीत का क्या जो इस सबके पीछे? वो तब तक गायब है। मिलेगा तारिका, वो विक्रमजीत भी हमें मिलेगा। कैसे? ये पॉपी सीड ऑयल जो हमें सांप की चमड़ी पर मिला है तारिका, ये पॉपी सीड ऑयल ही हमें उस विक्रमजीत तक लेके जाएगा। सर, सर, हाँ, क्या हम लाइट चालू रखकर विक्रमजीत पर नजर नहीं रख सकते? क्यों फ्रेडी, अंधेरे से डर लग रहा है क्या? आए, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो विक्रमजीत को पकड़ने के लिए बड़ा बेताब हो रहा हूँ। सर, ये तो बर्तन गिरने की आवाज है, लगता है वो आ गया था। सर, आवाज किचन की तरफ से आ रही है। बिल्ली ने गिराया होगा। नहीं फ्रेडी, बिल्ली नहीं, ये देखो मुरारी का बिस्तरा खाली है। अरे, कहीं मुरारी को कुछ कर तो नहीं दिया उसने? सर, ये तो अकेला है, मुरारी कहाँ है? रुक जाओ, तो गोली चला दूंगा। मुरारी लाल कहाँ जाने की तैयारी थी? हवेली छोड़ कर जा रहा हूँ साहब, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों, डर तो नहीं लग रहा था कि विक्रमजीत तुम्हें मार ना दे? ओ, तो विक्रमजीत के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया? हाँ, सीआईडी वालों से सच कभी छुपता नहीं, समझे? सीआईडी वाले मतलब आप शंभू के रिश्तेदार वाले नहीं हो, सीआईडी वाले हो? हाँ, सीआईडी वाले। क्यों, कहाँ विक्रम, विक्रमजीत कहाँ है? आप लोगों को सच तो मालूम पड़ गया, लेकिन आधा अधूरा। मैंने राजकुमार विक्रमजीत को नहीं मारा, बल्कि उसकी जिंदगी बचाई। मैंने पाल पोस के उसको बड़ा किया, उसे रानी शांति देवी की नजरों से बहुत दूर रखा, ताकि रानी शांति देवी को यह पता ना चले कि राजकुमार जिंदा है। अगर उसे यह पता चल जाता तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस वक्त विक्रमजीत कहाँ है? नहीं नहीं, मैं जान दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा। सच पता बता, आसान की पता जल्दी। यार, ये तो हमें भी पता है कि विक्रमजीत ने खून किया है, कुछ नई बात बता। पॉपी सीड ऑयल। ओह, पॉपी सीड ऑयल।
गुड वर्क शालुके, कभी कभी अच्छा काम करता है तो थैंक यू। अब हम पहुंच जाएंगे विक्रमजीत के पास। मैं जानता हूं सीआईडी तुम्हारे पीछे, पर बॉस आपको कैसे पता चला? ये लो, इसमें 5,00,000 रुपए हैं और तुम्हारा नकली पासपोर्ट। आज शाम को 6 बजे की फ्लाइट है, लंदन निकल जाओ। शुक्रिया बॉस। अरे पैसे तो गिन लो। क्या बात, आप भी? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें लंदन भिजवाऊंगा? अब तुम सीधा नर्क की फ्लाइट पकड़ोगे। बड़ा धोखा। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। घबराओ मत, सांप के जहर की दवाई हम अपने साथ लेकर आए हैं। सब मुंह खोलो। सीआईडी? हाँ सीआईडी। क्यों, हमको देख के बहुत धक्का लगा पेंटर बाबू? तुम लोगों को कैसे पता चला कि इस सब के पीछे मेरा हाथ? क्योंकि सांप के ऊपर तुमने पॉपसीड ऑयल छोड़ दिया था, और पॉपसीड ऑयल का इस्तेमाल एक पेंटर के अलावा और कौन कर सकता है? अब जरा अपना असली चेहरा तो दिखाओ मुकेश उर्फ विक्रमजीत। बताओ पीपलगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत, अपनी माँ का खून क्यों किया तुमने? मानी दी हो मेरी सौतेली माँ थी, जिसने पैसों के लिए मेरे पिता राजा चंद्रशेखर जी को तड़पा तड़पा कर मार दिया। और इसीलिए तुमने शांति देवी को भी उसी तरह मारा, तड़पा तड़पा के? हाँ, उसके गुनाह की यही सजा थी जो मैंने उसे दी। उसने मेरे पिता को ही नहीं मारा बल्कि मुरारी के हाथों मुझे भी मरवाना चाहा था। सजा देने का हक तुम्हारा नहीं, कानून का है। यही बात होती तो तुम कानून की मदद ले सकते थे। उसने मेरे पिता को मारा था, इसलिए उसे भी मारने का सिर्फ मुझे ही था। तुम्हारे मुकेश बनने के पीछे क्या मकसद था? मैं शांति देवी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता था, इसलिए मैंने मुकेश का रूप लिया और वो आर्ट एग्जीबिशन रखकर उनको न्योता भेजा। फिर तुमने दीपक को 5,00,000 रुपये दिए और अफ्रीका से वो जहरीला सांप मंगवाया, और फिर खुद एक लॉन्ड्री बॉय बनकर शांति देवी के कमरे में गए और पॉपी सीड ऑयल के जरिए वो सांप शांति देवी के गले में उतार दिया। कि शांति देवी ने तुम्हारे पिता को मारा है, हाँ? तो फिर तुमने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया और यही समय क्यों चुना शांति देवी का खून करने के लिए? क्योंकि मुझे सही समय का इंतजार था। सही समय का इंतजार, और तुम्हारा सही समय आ गया जब शांति देवी ने अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में बेच दी। विक्रमजीत, तुम्हें बदला नहीं चाहिए था, तुम्हें चाहिए था 300 करोड़ और वो सारी जायदाद, है ना? 300 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, पर आपको ये कैसे पता चला? इस फाइल के जरिए। ये फाइल जो हमें तुम्हारे घर से मिली, इसमें है वो डीएनए रिपोर्ट, तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट। विक्रमजीत, तुम जानते थे कि अगर इस जायदाद को कोई वारिस नहीं तो सारी जायदाद सारा पैसा ट्रस्ट में जाएगा, और इसलिए तुमने प्लान बनाया और अपना डीएनए रिपोर्ट तैयार किया, ये साबित करने के लिए कि तुम ही इस जायदाद के असली वारिस हो। पर अफसोस, वो 300 करोड़ की लालच, वो जायदाद की लालच तुम्हें राजगद्दी पर नहीं फांसी के फंदे पर ले जाएगी। फांसी के फंदे पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।